आपके पिताजी कुछ समय के मेहमान हैं। क्या? हमने आज तक डैडी को बहुत परेशान किया, लेकिन आज से और अभी से हम डैडी को कभी परेशान नहीं करेंगे। पर सुनो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दीदी, वहाँ मंदिर में पापा की धोती में आग लगने वाली है, हम लोग को जल्दी वहाँ पे जाना होगा। अरे बच्चा, तू तो कह रहा था कि ये चोरियाँ सुधर गई है, ये तो और बिगड़ गई है। फुर्सत निकाल के छोटी बता कर गई है अभी कि 3 दिन बाद मुखिया जी मर जाएंगे। 3 दिन में? हाँ, और आप ननी चाचा, आप हमारे प्यारे नए मुखिया बन जाएंगे। अम्मा, एक बात बताया, आपकी जो पोतियां है ना, पहले से सुधर रही हैं। हाँ, दिन रात हमारी सेवा में लगी रहती है माँ। अरे बचवा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है ना। बस तू देखत जा और सेवा करावत जा है। अम्मा, अम्मा पा लगी। अरे खुश रहो। नमस्कार भैया। अरे नमस्ते धनी राम जी। क्या हुआ अचानक इतनी रात है? भुगता है सवेरे के सूरज के का भरोसा भक्त से, इसीलिए हमने रात के चांद को देखने का फैसला किया है झक से। अम्मा, किसी बात की चिंता मत कीजिएगा आप, 3 दिन बाद भी नहीं, बस हमको अपना बेटा मानिएगा हमेशा, 3 दिन बाद से। अरे 3 दिन के बाद का है लड़पुत्ते के नाती, हम तो हमेशा ही तुमको अपना दूसरा बेटा समझते हैं। फुर्सत निकाल के अम्मा का बात करती हो भैया। लेकिन इतना रो का रहे हो? 3 दिन भैया, बस 3 दिन। लेकिन काहे रो रहा है बताएगा? अरे बस अम्मा 3 दिन और रोना है बिल बिला के। और उसके बाद? उसके बाद तो गांव की जिम्मेदारी संभाल ली है ना, हिल हिला के। अरे तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ। आए, रोए, सेब खाया और निकल लिए, और कहा बोल रहे थे कल का सूरज देखने को ना मिले इसलिए आज रात को चांद देख लेते हैं। और चांद के आज को ईद है तो चांद देखने हमारे घर पर आ गए। अरे वो जो कुछ भी है, इन लड़पुत्ते का नाती धनी राम दिल का बहुत सच्चा है, हमरी बहुत सेवा की है। हाँ, बस एक बात का दुख है हमका कि हम इका ब्याह नहीं करा सके। हाँ, फुर्सत निकाल के। अरे अम्मा, तो इसमें चिंता काहे कर रही हो? अरे हम कराएंगे इनका ब्याह। ठीक है। लाल हम। अगर मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाए तो उसकी आत्मा भटकती नहीं है, सीधे स्वर्ग को जाती है। राधिका, हमें भी पापा की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। हाँ, वो भी 2 दिन के अंदर। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि पापा की आखिरी इच्छा है क्या? आइडिया। क्या? ओके। चुगली। का है? चुगली। अरे हमको काहे घसीट के लाई हो? पापा, हम सब ने सोचा है कि हम एक दूसरे की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करेंगे, जिसके बाद कोई इच्छा बाकी ना हो। अरे क्या आखिरी इच्छा? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। और इसके लिए हम लोग एक गेम खेलेंगे। गेम? अरे वाह, हम भी बहुत दिनों से कोई गेम नहीं खेले, हम भी खेलेंगे गेम। यस। हर कोई इसमें अपनी सबसे बड़ी इच्छा लिखेगा। इसमें? हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी इच्छा हम? हाँ, अरे लिखो तो, तुम लोग भी लिखो। हम किस पे लिखे हैं? तो कल हवा में लिख लेते हैं। मेरी तरह पेन भी गिर गया। हनी राम दिल का बहुत सच्चा है, हमरी बहुत सेवा की है। हाँ, बस एक बात का दुख है हमका कि हम इका ब्याह नहीं करा सके। हाँ, फुर्सत निकाल के। अम्मा की इच्छा ही हमारी आखिरी इच्छा है। हाँ,
तुमने क्या लिखा है बता? पापा दादी बुला रही है आपको। तो हमको कैसे सुनाई नहीं दिया? लगता है राधिका की तरह आपको भी मशीन लगाने की जरूरत है। क्या? देखा फिर से आवाज आई। अरे बाबा अरे। हाँ हाँ जा रहे हैं। जाइए जाइए जल्दी जाइए। ओके ओके मोबाइल। ये पेन दे दीजिए। यस। हमारी आखिरी इच्छा धनी राम की शादी करा दी जाए। हाँ भैया, ये सफेद कुर्ता जो है किसी की बारात में जाने के लिए नहीं सिलवा रहे हैं, बल्कि हम तो मुखिया जी के जनाजे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, वो कहा है कि 2 दिन बाद मुखिया जी मरने वाले हैं जन्नाटे में, और फिर उनके जनाजे में तो जाना पड़ेगा ना सन्नाटे में, इसलिए जरा जल्दी दे देना है, देर नहीं लगाना बिल्कुल, पूरा नाप लो। घंटी टंटना रहा है, है? या दिमाग घनघना रहा है? चाचा जी इनसे मिलिए, ये है हमारी चाची, मेरा मतलब है मेरी सहेली गुलाबो। एकदम पीला गुलाब है। वो तो बिल्कुल सही बात है, वैसे इस दुनिया में इस बेचारी के माँ बाप नहीं रहे, पर इसे तो रहना है ना, और अगर रहना ही है तो अकेले क्यों रहे, किसी के साथ क्यों ना, इसलिए आजकल अपनी शादी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रही है। हा? अरे ऐसी खूबसूरत परी के लिए लड़कों की कमी है क्या है? बस एक बार गुलाबो अपना सर ऐसे ऐसे करके हिला दे सर से तो लड़कों की लाइन लग जाएगी फर से। पर किसी ऐसे वैसे लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी झंड बना के घमंड करने से क्या फायदा है ना? वो तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा चाचा जी गुलाबों के लिए वरुण जी कैसे रहेंगे? नाम मतलब उस निकम्मे का मनहूस है वो एकदम। अपना 1.5 इंच का मुंह जब भी खोलता है तो 3 गज की मनहूस बात करता है। अरे तुम तो गुलाबों के लिए किसी अच्छे से लड़के के बारे में बात करो। ठीक है तो आप भी देख लीजिए, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो ना तो अब आप ही बता दीजिए। अरे इधर उधर नजर घुमाओ झट से, लड़का मिल जाएगा फट से। अरे सब ईश्वर की लीला है, सामने छैल छबीला है।
ये नहीं। अरे इनके आधार कार्ड जैसे चेहरे पर मत जाओ। इनके एटीएम कार्ड को देखो। ऊपर वाले की दया से इनके पास सब कुछ है, बस एक घर वाली की कमी है, है ना? अच्छा ऐसा है, तो फिर मैं इनके घर वाली बनने को तैयार हूँ। लेकिन हाँ, बस चाचा को कोई एतराज ना हो, डायरेक्ट दिल से। तो जब तैयार हो गई हो मुस्कुरा के, तो चाचा काहे बुला रही हो सुरसुरा के? वो तो मैंने कहा कि मेरी सहेली स्वीटी के चाचा। मेरे चाचा नहीं। फिर तो बिल्कुल ठीक है। अब आप जल्दी से ये खुशखबरी सबसे पहले डैडी को जाके दे दीजिए, और उसके बाद किसी अच्छे से पंडित जी से पूछकर अपनी शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए, और अपनी शादी की शहनाई बजवाइए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाय 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 हाय! अरे ननन भुजाई है कि दुश्मन? हा तुम हमारी गोरी को सूखा रोटी खिलावत हो और खुद अपनी रोटी घी चुपड़ चुपड़ कर खावत हो, क्यों फुर्सत निकाल के? अयो दादा अम्मा जी, अभी कहा कह रही हैं? और नहीं तो कहा, हमारी सुलझी भौरिया होती ना तो ई कभी ना ही करती फुर्सत निकाल कर। और तू कान खोल कर सुन ले, आज के बाद ई उलझी भौरिया के हाथ से कुछ भी खाया ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा फुर्सत निकाल के। हाँ अयो दादा अम्मा जी, अब हमेशा हमको डांटती रहती है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अब हमेशा हमारी बेइज्जती करती है। अरे 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 काहे? अरे तुम जो हमरी गोरी को सूखी सूखी रोटी दी हो, उकी बेइज्जती नहीं हुई का? हाँ बात कर दी है। जी काहे? अम्मा जी ने बिल्कुल सही कहा, मोटी को जितना बुरा लगता है ना, उतना तो गोरी को भी बुरा नहीं लगता। काहे कर रही हो? अपनी सौतन की शिकायत सुनकर तुम अपने बताशे जैसी बत्तीसी काहे दिखा रही हो? शर्म नहीं आ रही तुमको? अरे अम्मा, अम्मा का? डैडी, डैडी, हाँ, अरे देखिए ना, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहाँ रह गए? आ गए, आ गए, ये देखिए। अरे धनी, हाय, अम्मा पड़ा, पड़ा, पड़ा। डैडी, धनी चाचा और गुलाबो आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। अच्छा, ये इनकी बेटी है? नहीं डैडी, इन दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया है। अरे सच? अरे मेरे लड़पुते के नाती, तूने देर से ही सही सही काम करने का फैसला लिया है फुर्सत निकाल के। हाँ, हम बहुत खुश हैं। हम भी। अरे अरे अरे, इका चेहरा तो देखो, बिल्कुल चांद जैसा चेहरा है हमरी होने वाली पहुरिया का फुर्सत निकाल के। अम्मा, ये तो मोश वाला धनी राम है, गुलाबो तो थोड़ा लेफ्टन है। अरे हम जानत हैं, हमको का दिखत नहीं है का? हम धनी की बात कर रहे हैं। हमरा धनी कोनो चांद से कम है का? तो अम्मा, हमने सोचा कि आपसे आशीर्वाद लेने के बाद ही शादी करेंगे, इसीलिए गुलाबों को यहाँ ले आए। कहाँ है? आ जा बहुरिया, आ जा, आ जा। जीते रहे, जीते रहे। हाँ इले ये हमारा आशीर्वाद है। ये असली सोने का तो है ना, नकली तो नहीं ना? अरे हमारी असली चूड़ी को नकली कह रही है धनी। अम्मा हम समझाते हैं। अम्मा,
देखो ये ना बुरा मत मानना ऐसा, ये अम्मा का आशीर्वाद देने का तरीका है तलाक से। इससे क्या होता है ना, मन एकदम चौचक हो जाता है फड़ाक से। चौचक ले लो ले लो, अम्मा समझा ली है। हाँ फुर्सत निकाल के थोड़ी देर में निशान चला जाए। देखा इल्लड़ पुत्ते का नाती हमरे आशीर्वाद के बिना कोनो काम नहीं करता है, फुर्सत निकाल के, है ना। बस अब जल्दी से ना शादी कर लो। अम्मा अब तो जब तक शादी नहीं हो जाती है ना हम जाने नहीं देंगे इनको। आशीर्वाद से आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे भैया हमारा आशीर्वाद ले लिया है समझो, शादी हो गई। बेचारा तो गया काम से। चलो शादी करेंगे भाई, आओ चलो चलो। अच्छा भैया, अच्छा अम्मा जी, अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। अम्मा देखो जो तुम चाहती थी वो तो हो गया, अब तो खुश हो। बहुत खुश है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? की सेवा तो मैं करूंगी। नहीं पहले मैं करूंगी सेवा। नहीं पापा की सेवा मैं करूंगी। खबरदार दीदी बापू की सेवा तो मारे कोई करना सा। तो मैं क्या सर से लेके पैर तक फैसले के सर तक देखती रहूंगी। क्या लगा रखा है तुम लोगों ने, हम करेंगे ये मैं करूंगी, कहा है सब हाँ? अरे सेवा जो है ना बहुत धैर्य से प्यार से करना है, सेवा अगर करनी है तो। हिला दिया बापू की जेबा तो सही सर। चलो लोगों काम पे हाँ? फिर आ गए अभी प्यार से दारी आराम से। आप ठीक से बापू? चाहे जो भी हो पर हमारी बेटियां हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, इसलिए हम इनको कल एक ऐसा सरप्राइज देंगे कि इनकी क्रिसमस भी सुधर जाएगी और ये पांचों खुश भी हो जाएंगी और बोलेंगे बाप हो तो ऐसा। ये तो वरुण सर, लेकिन वो भागकर घर पे क्यों है? अरे ज्यादा चौंकिए मत हमें देखकर, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, हमें कुछ छुपने के लिए जगह बताइए। एक मिनट एक मिनट, छुप के शादी करनी है या शादी करके छुपना है? दीदी एक मिनट, हुआ क्या है? अरे वो धनी चाचा ने हमें कल से कैद करके रखा हुआ, जबरदस्ती कह रहे हैं कि शादी करूंगा तो सिर्फ इसके साथ ही। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है ना, डैडी की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अब दीदी ये मजाक करने का वक्त ना है, तो मामला तो बहुत ही सीरियस हो गया है, हमारे को ही कुछ करना पड़ेगा। कहाँ तक भागोगी गुलाबो? फुर्र से भाग रही थी, हमने सर से पकड़ लिया। बहुत अच्छा किया, हम भी गुलाबों को बहुत देर से यही समझा रहे थे कि धनी चाचा जैसा दूल्हा तो इंटरनेट पर ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। सही बात है। अरे लेकिन हमें शादी नहीं करनी है। अरे कैसे नहीं करनी है, चलो उठा लो। चलो लेके चलो। बस नहीं करनी, स्वीटी जी देखिए अब जल्दी हो रहा है, अब तो जिंदगी बर्बाद हो गई, हम तो कहीं के भी नहीं रहे स्वीटी जी। चलो लेके चलो। दीदी वरुण ना इस मुसीबत में हमारी वजह से पड़ा सा, अब इसे उस मुसीबत से ना हमी को निकालना पड़ेगा। लेकिन उसे बचाएंगे कैसे काजल? शादी के मंडप से भगा कर। वाओ सो एक्साइटिंग। हेलो सोनू। फंसा आया खुशियां लाया, फंसा आया खुशियां लाया। सांता क्लॉस। हे स्वीट गर्ल, तुम्हारी बाकी की सिस्टर्स कहाँ है? हम तुम सब की विशेष पूरी करने को आया है। मेरी और मेरी बहनों की सिर्फ एक ही इच्छा है, क्या आप पूरी करेंगे? ऑफ कोर्स पूरी करेंगे, अरे इसलिए तो स्पेशली हम इंडिया आया है। बोलो तुमको क्या चाहिए? सैंटा अंकल हमारे पापा मरने वाले हैं।